खबर मध्य प्रदेश से मैं हूं भावना जोशी आपके साथ। और ग्वालियर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जहां युवाओं में पुलिस का कोई खौफ नहीं दिख रहा है और सोशल मीडिया पर हथियार लहराते हुए वीडियो वायरल हुआ है। आम जनता में दहशत फैलाने की कोशिश की गई है और एक के बाद एक किए जा रहे हैं वीडियो वायरल। अब तक पुलिस कई युवाओं पर कर चुकी है कार्यवाही, लेकिन इसके बाद भी युवाओं में पुलिस का कोई खौफ मौजूद नहीं है। इस पूरे घटनाक्रम पर ज्यादा जानकारी के लिए हम जुड़ते हैं ग्वालियर से हमारे संभागीय इमरान खान के साथ। इमरान, क्या है पूरा मामला? बिल्कुल भावना, देखिए ग्वालियर जिले की अगर मैं बात करूं तो ग्वालियर जिले में लगातार जो आजकल के नौजवान युवा हैं उनके द्वारा सोशल मीडिया पर अलग अलग तरह से हवाई फायर यानी कि अवैध कट्टे जो है, अवैध हथियार लहराते हुए आए दिन वीडियो वायरल हो रहा है। और वीडियो वायरल होती है सोशल मीडिया पर, लेकिन पुलिस भी कहीं ना कहीं जो युवाओं के वीडियो वायरल होते हैं उसके बाद पुलिस युवाओं पर कार्रवाई भी करती है, लेकिन कहीं ना कहीं भावना देखने में ये आ रहा है कि जो युवा हैं आजकल के जो सोशल मीडिया पर अपने लाइक फॉलोवर्स एवं अपना रुतबा बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं आए दिन सोशल मीडिया पर अवैध हथियार लहराते हुए वीडियो वायरल करते हैं सॉन्ग लगाकर, और उसके बाद भी लगातार कार्रवाई पुलिस की जारी है। उसके बाद भी कहीं ना कहीं युवाओं का जो क्रेज है सोशल मीडिया पर अवैध हथियार लहराते हुए वो थमता नजर नहीं आ रहा है भावना। तो ग्वालियर जिले की अगर मैं बात करूं पिछले करीब 15 अगर एक महीने की मैं बात करूं तो एक महीने में करीब 10 से 15 केसेस ऐसे आ गए जो युवाओं के अवैध हथियार लहराते हुए सोशल मीडिया यानी कि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम स्टोरीज पर युवा अपने अवैध हथियार के साथ अपना वीडियो अपलोड करते हैं, और उसके बाद कहीं ना कहीं उनको जब ये भनक हो जाती है कि पुलिस की कार्रवाई होगी तो उसके 2-4 दिन बाद उस वीडियो को वो अपने अकाउंट से डिलीट कर देते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं युवाओं में खौफ पुलिस का बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि इससे पहले भी कई ऐसे केसेस देखे गए हैं कि युवाओं पर कार्रवाई भी की गई है और कार्रवाई करने के बाद, लेकिन आज फिर कहते हैं युवाओं में पुलिस का खौफ क्यों नहीं है। और इस समय की अगर मैं बात करूं तो ग्वालियर चंबल संभाग में लगातार ऐसे वीडियो वायरल होते हैं जिससे कहीं ना कहीं जो पुलिस की एक जो कार्यशैली है वो लगातार युवाओं पर कार्रवाई करती है, लेकिन आखिरकार ये अवैध हथियार लहराने का काम क्यों नहीं बंद हो रहा है। और ग्वालियर जिले में दहशत जैसा माहौल बना दिया जाता है और युवा अपना रुतबा दिखाने के लिए, अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए, अपने लाइक्स बढ़ाने के लिए लगातार सोशल मीडिया पर अवैध कट्टा लहराते हुए, अवैध जो भी हथियार होता है अवैध हथियार लहराते हुए आए दिन उनका वीडियो वायरल हो रहा है भावना जी। लेकिन इमरान, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि अगर इतनी तादाद में युवा इस तरह के सोशल मीडिया पर वीडियोस वायरल करते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे भी है जहाँ ये हथियार इनके पास गए हैं, वीडियो नहीं आई है, तो ऐसे में अवैध हथियार तस्करी की एक बड़ी घटना इसमें सामने आती है, तो पुलिस का कोई इस पर एक्शन क्यों नहीं रहता? बिल्कुल भावना, ये आपका सवाल सही है। जैसे कि युवाओं पर हथियार अवैध आए कहाँ से रहे, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। और अगर हथियार युवाओं पर आ रहे हैं तो पुलिस आखिरकार क्या कर रही है? पुलिस कार्रवाई करती है, लेकिन जब कार्रवाई करती है जब उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है। अगर ये कार्रवाई पुलिस मुस्तैदी के साथ पहले अवैध हथियारों का जखीरा पकड़ने पर ही अगर लगाम लगा रहे तो शायद वीडियो वायरल नहीं होंगे, क्योंकि अवैध हथियार युवाओं के पास पहुंचते कहाँ से है, आखिरकार उनके पास अवैध हथियार आते कहाँ से है। जबकि राजेश दंडोतिया जो क्राइम अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक है वो लगातार इस पर कार्रवाई करते हैं, और अभी उन्होंने अवैध हथियार के लिए कई युवाओं को पकड़ा भी था, देखते हुए कई जखीरे भी पकड़े थे, लेकिन कहीं ना कहीं हल्का सा सवाल पुलिस पर ही सवाल खड़ा होने लगा है कि आखिरकार जो अवैध हथियार युवा आजकल के नौजवान युवा पर आ कहाँ से रहे हैं और इतनी बड़ी तादाद में। जबकि लगातार अगर मैं बात करूं तो ग्वालियर चंबल संभाग में कम से कम 10 से 15 कार्रवाई हर महीने में अवैध हथियार के खिलाफ होती है, और 2 से 4 अवैध हथियार महीने, मतलब अगर मैं बात करूं तो 10 से 50 अवैध हथियार हर महीने पकड़े जाती है। उसके बाद भी इतनी बड़ी तादाद में अगर अवैध हथियारों का इतना बड़ा क्रेज अगर युवाओं में है तो आकर के उनके पास अवैध हथियार आ कहाँ से रहे? पुलिस अगर इस पर नकेल कसे और इसके तहत अगर एक्शन प्लान बनाकर अगर इन पर कार्रवाई करे तो शायद ये सोशल मीडिया पर जो दहशत फैला रहे हैं वो दहशत फैलाने का इनको मौका ही नहीं मिलेगा। अगर इससे पहले ही अवैध हथियार बेचने वाले या अवैध हथियार खपाने वालों पर इस तरह की कार्रवाई पुलिस करे। लेकिन भावना अगर मैं बात करूं तो ग्वालियर चंबल संभाग की, ग्वालियर चंबल संभाग में लगातार चाहे मैं मुरैना जिले की बात करूं, चाहे मैं भिंड जिले की बात करूं, चाहे ग्वालियर जिले की बात करूं, चाहे चीपरी हो चाहे दतिया हो, ऐसे जिले यहाँ पर आए दिन युवाओं के द्वारा अभी 8 दिन पहले ही एक बितरवार अनुवाद के अंतर्गत तीनों में 3 युवा अवैध हथियार लहराते हुए वीडियो वायरल हुआ था। ग्वालियर में शादी पार्टियों में अवैध हथियार के साथ फायरिंग करते हुए, और ये समय तो अभी एक ऐसा समय है कि इस समय पूरे मध्य प्रदेश में के साथ साथ ग्वालियर जिले में आचार संहिता लागू है और धारा 144 लगी हुई है। जब तक कि कलेक्टर ने जो शस्त्र लाइसेंस जारी है उनके शस्त्र को सस्पेंड कर दिए हैं,
उसके बाद अगर अब एक हथियार इस समय अगर युवाओं को दिखा रहे हैं तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा मामला है, क्योंकि चुनाव का समय चल रहा है और एक इससे दहशत भी फैलती है। आखिर अपने शौक के लिए, अपने फॉलोवर्स बढ़ाने के लिए, अपने लाइक बढ़ाने के लिए, अपना रुतबा जताने के लिए सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल करते हैं। लेकिन अभी जो फिलहाल अभी जो वीडियो आज जो वायरल हो रहा है वो मैं आपको बता दूं भावना, कि ये सूत्रों से जानकारी मिली है कि अरुण यादव के नाम से कोई प्रोफाइल अकाउंट बना हुआ है और उस अकाउंट से ये वीडियो वायरल हो रहा है। हालांकि इस पर पुलिस किस तरह का एक्शन लेती है, कब तक इन युवाओं को गिरफ्तारी करती है और कब तक इन पर कार्रवाई करती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो समय चल रहा है वो चुनाव का समय चल रहा है और इस समय अगर इस तरह से वीडियो वायरल होंगे तो कहीं ना कहीं क्षेत्र में दहशत फैलेगी और चुनाव पर भी कहीं ना कहीं इस पर, जबकि अभी जो एडीजी है श्री श्रीनिवास वर्मा उन्होंने सख्त निर्देशित जो अभी बैठक हुई थी पुलिस विभाग की जिसमें समस्त अधिकारी मौजूद थे, उस समय सख्त निर्देश दिए थे कि अवैध हथियार या गुंडे बदमाश जितने भी आपके क्षेत्र में उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। आप देखते हैं कि आखिरकार एडीजी श्रीनिवास वर्मा जी पुलिस अधीक्षक को किस तरह से निर्देश करते हैं और इस तरह की वारदातों को रोकने में किस तरह से पुलिस अब लगाम लग सकती है, क्योंकि ये जो समय चल रहा है भावना को समय चुनाव का चल रहा है और ये पंचायत चुनाव है, पंचायत चुनाव में काफी संवेदनशीलता पुलिस को बरतनी पड़ती है, क्योंकि लोकल के चुनाव होते हैं, ग्रामीण क्षेत्र के चुनाव होते हैं, आपस में बेमनुष्य वाला माहौल पैदा होता है, इसलिए कहीं ना कहीं एक्शन बोर्ड में पुलिस भी दिख रही है, लेकिन इन युवाओं पर कार्रवाई किस तरीके से होती है और क्या कार्रवाई पुलिस करती है और इस तरह की वीडियो रोकने के लिए अब पुलिस क्या एक्शन प्लान बनाती है, क्योंकि इस तरीके से जो अगर वीडियो वायरल हो रहा है तो कहीं ना कहीं ग्वालियर चंबल संभाग में एक दहशत जैसा माहौल हो जाता है और अब पुलिस का क्या एक्शन प्लान रहता है और किस तरीके से सोशल मीडिया पर युवाओं के द्वारा जो अवैध कट्टे लहराने का जो मामला किस तरीके से थमता या नहीं थमता आने वाले समय में देखने में आएगा। लेकिन भावना अभी तक जो कहीं ना कहीं पुलिस को इस पर कड़ा एक्शन बनाकर कड़ा प्लान बनाना चाहिए, ऐसे युवाओं पर कठोर कार्रवाई होती है। आपने इसके तहत दो चार दिन बाद युवा छूट कर आ जाते हैं, फिर उनका बाद में पूरी सोशल मीडिया पर फिर वो रुतवा चालू हो जाता है, तो कहीं ना कहीं पुलिस को भी एक एक्शन खड़ा लेना चाहिए और कठोर से कठोर कार्रवाई जो आईपीसी धाराओं के तहत होना चाहिए वो करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं युवाओं में इस तरह का जो एक वो देखा जा रहा है, एक क्रेज जो देखा जा रहा है सोशल मीडिया पर, तो कहीं ना कहीं वो अपने आप कम होता नजर आ जाएगा वहाँ। जी, तो ग्वालियर से इस वक्त की बड़ी खबर थी जहाँ युवाओं में पुलिस का खौफ नहीं है। और एक और एक बड़ी खबर जो इसमें ये है वो ये है कि एक तरफ चुनाव का माहौल है, दूसरी तरफ आचार संहिता लगी है और ऊपर से वीडियो वायरल होना इस तरह से अवैध हथियारों के साथ, कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल। जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद इमरान।